वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम भिंडी के फार्म में हैं। हम आज आपको भिंडी का 3G कटिंग करके दिखाएंगे। भिंडी यानी लेडी फिंगर, या बाज़ लोग इसे ओकरा भी कहते हैं। तो हम आज इसका 3G कटिंग करेंगे। पहले वीडियोस में हमने आपको करेला, कद्दू, तोरी और कीरा वगैरह का 3G कटिंग करके दिखाए थे, तो आज हम आपको भिंडी में 3G कटिंग का तरीका दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं जी। फ्रेंड्स, भिंडी या कद्दू का, कीरा वगैरह का जो 3G कटिंग है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। भिंडी में ऐसा है कि ये सीधा पौधा है, और कद्दू, तोरी या कीरा वगैरह जो है ना, वो बेलदार पौधे होते हैं। तो बस थोड़ा सा फर्क ही है इसमें। तो आइए आपको दिखाते हैं भिंडी में 3G किस तरह की जाती है। ये भिंडी के प्लांट्स है, ये देखिए जी, खूबसूरत प्लांट्स है, सेहतमंद। तो सबसे पहले तो जी हम इसके ये पत्ते काटेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन का जो ब्रांच है, इसके पत्ते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन ब्रांच है, इसके ये पत्ते हैं। फर्स्ट जनरेशन के जो पत्ते हैं वो हम काटेंगे। ये देखिए, 4-5 पत्ते हमने काट लिए। तो अब यहाँ से सेकंड जनरेशन ब्रांच जो निकलेंगी, ये देखिए, यहाँ से आपको अगर नज़र आता हो तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये सेकंड जनरेशन के जो ये छोटे छोटे आपको दिखाई देते, ये सेकंड जनरेशन ब्रांचेज है। तो इसके बाद ये निकलेगी ज़्यादा मकदार में हर पत्ते के साथ, तो उसमें फिर फल ज़्यादा आएंगी ज़्यादा मकदार में, और मेल फ्लावर कम आएगी। अब आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन जो ब्रांच है, इसका जो मेन टिप है, ये देखिए, ये देखिए, इस मेन टिप में फ्लावर्स भी आए हैं। कुछ फीमेल फ्लावर है, ज़्यादातर मेल फ्लावर है, यानी खाकी फूल, ज़्यादातर खाकी फूल है इसमें। तो ये भी हम इससे काटेंगे। अब दोस्तों, यहाँ से जो मेन ब्रांच है, फर्स्ट जनरेशन ब्रांच, इसका ये रुक जाएगी, इसकी ग्रोथिंग यहाँ से रुक जाएगी, और नीचे से जो जो पत्ते हमने काटे फर्स्ट जनरेशन के पत्ते, यहाँ से और सेकंड जनरेशन ब्रांचेस ग्रोथ करेगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने इसके सारे पत्ते काट लिए, और मेन ब्रांच का जो टिप है ऊपर वाला, ये भी हमने काटा है। ये तो पत्ते हमने छोड़े हैं पौधे की यह तारीफ के लिए, ताकि पत्ते की नशोनुमा बरकरार रह सके। फ्रेंड्स, भिंडी में 3G करने से आप एक पौधे से 3 पौधे का प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।